रविंद्र जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि पहले सोपा के आंकड़े हैं वो तो अभी हाल फिलहाल में यही कह रहे हैं कि जो सोइंग है, सोइंग एरिया बड़ा है पहले के पिछले साल के मुकाबले, और जो गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है वो सोपा से भी ज़्यादा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि जो फसलें हैं वो भी बेमौसम बरसात की वजह से काफ़ी ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आई है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है सोयाबीन का वायदा बाजार आगे कहाँ पर सस्टेन हो पाएगा? देखिए, इसमें गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू कर रही है कंटिन्यूसली कि कितना स्टॉक लिमिट इसमें बाकी है, और उसी हिसाब से एमएसपी जो है वो 3950 के अराउंड है इसका, सोयाबीन का। तो चांसेस यही लग रहे हैं यहाँ से कि प्राइसेस जो है एक रेंज बाउंड टेरिटरी में मूव करेंगे। ज्यादा सेलिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी जब तक प्राइसेस, जब तक एक्चुअल डेटा मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अभी फॉर द टाइम बिंग एक रेंज बाउंड मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगी, 5100 के आसपास से ऊपर में 5300 की रेंज रहेगी, और इसी रेंज में हम इसे ट्रेड करते हुए देखेंगे। लेकिन अगर 5100 के नीचे ये ब्रेक करती है तो सेलिंग जो है ये 4700 तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अगर रेंज में रहेगी तो एक रेंज में ही ट्रेड करने को ज्यादा देखने को मिलेगी। जी,